Assalamu alaikum and welcome back to Earning Shots. First of all, I am back again after a small break. Northern areas mein gaya hua tha yaar aur jo maza aaya puri family saath mein thi, it was amazing, it was enjoyable and it was good. उस ट्रिप के दौरान मैं कुछ प्रॉम्प्ट्स आए मेरे व्हाट्सएप के ऊपर, व्हाट्सएप बिजनेस के ऊपर भी जो कि मैं यूट्यूब के लिए यूज़ करता हूँ और पर्सनल के ऊपर भी, और उसमें नई प्राइवेसी पॉलिसी का जिक्र किया गया था। मैंने कहा अच्छा यार कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस किए होंगे उन्होंने, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लिया होगा। बट देन आफ्टर अ कपल ऑफ डेज जब मुझे थोड़ा टाइम मिला और मैंने जब देखा तो इट कॉज्ड अ लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई, बिकॉज बेसिकली व्हाट वाज हैपनिंग इज कि व्हाट्सएप इज फोर्सिंग इट्स यूजर्स टू शेयर their डेटा विद फेसबुक। अगर आप ये प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं करते तो चांसेस यही हैं कि आपको फिर अपना व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट करना पड़ेगा और आप व्हाट्सएप को फिर यूज़ नहीं कर सकेंगे। एंड देर वॉज वन मोर थिंग, देर वॉज लॉट ऑफ कन्फ्यूजन ऑनलाइन। कुछ लोग ऐसा कह रहे थे कि यार अब ये वक्त आ चुका है कि आपको फेसबुक छोड़ देना चाहिए और आपको सिग्नल, टेलीग्राम, इस तरह की डिफरेंट ऐप्स पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। एंड बाई ऑल मीन्स दे आर गुड ऐप्स। अदर्स वर जस्ट सिंपली सेइंग कि यार कोई ऐसा मसला नहीं है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड देन देर वॉज वन मोर कैटेगरी, बहती गंगा में हाथ धोने वाले लोग। आई विल नॉट नेम देम बट देयर एनालिसिस वॉज नॉट करेक्ट। सो आज मैं आपको एग्जैक्टली यही बताऊंगा कि व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी आपको कहती क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इज इट द टाइम टू लीव द व्हाट्सएप एंड गो समवेयर एल्स, व्हाट शुड वी डू, लेट्स टेक अ लुक। तो जनाब कहानी कुछ यूँ है कि व्हाट्सएप सन 2009 में मारज़े वजूद में आई एंड सिंस इट्स इंसेप्शन एंड सिंस इट्स रिलीज काफ़ी जल्दी मशहूर हुई, काफ़ी जल्दी लोगों ने इसको अडॉप्ट किया और आई मैसेज, ब्लैकबेरी मैसेंजर, इन सबको इसने अच्छी खासी राइवलरी दी बिकॉज इट इज़ क्रॉस प्लेटफॉर्म, हर मोबाइल फ़ोन पर यूज़ हो सकती है। खासतौर पर भारत, पाकिस्तान, अफ्रीका, यूरोप, ये तमाम वो नेशंस हैं जहाँ पे व्हाट्सएप ठीक ठाक किस्म की फेमस है और तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर अच्छी खासी इस्तेमाल की जाती है। सन 2014 में Facebook ने WhatsApp को खरीद लिया। Facebook has bought the mobile messaging service WhatsApp for $19 billion in cash and stock. और WhatsApp की इस फरोख्त को टेक क्रंच ने इंटरनेट के लिए 9/11 का नाम दिया। फेसबुक कभी भी प्राइवेसी, सिक्योरिटी, इन चीज़ों के लिए कभी भी मशहूर नहीं रही। फेसबुक ने ठीक ठाक मैसिव किस्म की लीक्स की हैं और ठीक ठाक मैसिव किस्म का डाटा NSA को फराहम किया है। इन्हीं तमाम चीज़ों की वजह से तकरीबन 8 मिलियन यूज़र्स व्हाट्सएप से उड़े और सीधे जाके टेलीग्राम पे बैठ गए। लेकिन सन 2014 की इस फरोख्त के बाद व्हाट्सएप के डेवलपर्स ने इसके अंदर एंड टू एंड इंक्रिप्शन बिल्ड की। इट वाज अ स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्ट। लेकिन इस एंड टू एंड इंक्रिप्शन का जहाँ मतलब ये था कि आपकी और मेरी कन्वर्सेशन अब आपस में सिक्योर हो गई है, मेरे एंड से वो इंक्रिप्ट होके आपके एंड तक पहुँचेगी, वहाँ पर एक और बात ये थी कि अब व्हाट्सएप का डेटा फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों के साथ शेयर किया जा सकता था, बिकॉज रिमेंबर कि फेसबुक ऑलरेडी इंस्टाग्राम को भी ओन करता था। तो फिर जनाब अब क्या हो रहा है? अब वो ये रहा है जनाब कि अगर आप 8 फरवरी सन 2021 तक नई प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करते तो आप फिर व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और नई प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर है क्या कि अब व्हाट्सएप अपना डेटा फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों के साथ शेयर करेगा। और फेसबुक को ये कदम उठाने की ज़रूरत पेश इसलिए आई क्योंकि एप्पल ने अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी मुतारिफ कराई है जिसमें उसने सीरियसली फेसबुक को ये कह दिया है कि जनाब अब जब तक यूज़र अलाउ नहीं करता आप यूज़र का कोई भी प्राइवेट डाटा इस्तेमाल नहीं कर सकते। पहले ये होता था कि आप यूज़ कर रहे हैं फेसबुक, आपने साथ सफारी खोला या क्रोम खोला, आपने वहाँ पर कोई चीज़ देखी तो फेसबुक ना सिर्फ फेसबुक की अपनी एप्लीकेशन को मॉनिटर कर रहा था बल्कि आपके फ़ोन पर होने वाली ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटीज़ को फेसबुक मॉनिटर कर सकता था और कर रहा था। इस नई प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ फेसबुक ने पहले तो ठीक ठाक शोर मचाया कि जनाब ये इंटरनेट के लिए तबाही का बायस है और ये बायस और वो बायस है, जबकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। एप्पल का ये कदम सीरियसली लोगों को ज़्यादा प्राइवेसी देने के लिए था। ऐसा नहीं है कि एप्पल खुद कोई सबका सगा लगा हुआ है, उनके खुद अच्छे ठीक ठाक किस्म के स्कैंडल्स आए हुए, लेकिन बहरहाल फेसबुक को ये चीज़ पसंद नहीं थी आ रही। तो फिर अब इस नई प्राइवेसी पॉलिसी में आपका कौन कौन सा डाटा शेयर होगा? इस नई प्राइवेसी पॉलिसी में जो डाटा शेयर होगा वो होगा आपका प्रोफाइल नेम, प्रोफाइल पिक्चर, IP एड्रेस, बैटरी लेवल, सिग्नल स्ट्रेंथ, ऐप वर्जन, ब्राउजर इन्फॉर्मेशन, मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग फोन नंबर, मोबाइल ऑपरेटर ISP, लैंग्वेज एंड टाइम जोन, डिवाइस ऑपरेशंस इन्फॉर्मेशन एंड आइडेंटिफायर्स इंक्लूडिंग आइडेंटिफायर्स यूनिक टू फेसबुक कंपनी प्रोडक्ट्स एसोसिएटेड विद द सेम डिवाइस और अकाउंट। दैट्स अ लॉट ऑफ डाटा। व्हाट्सएप का कहना यह है कि वो ये डाटा इसलिए शेयर करेगा टू ऑफर इंटीग्रेशन अक्रॉस द फेसबुक कंपनी प्रोडक्ट्स, यानी कि इंस्टाग्राम और फेसबुक।
आसान और सादा अल्फाज में आपकी दिलचस्पी को मद्देनजर रखते हुए आपको टारगेटेड एड्स फराहम किए जाएंगे, चीज़ें बेची जाएंगी आपको। और इंटरनेट की ज़बान में जहाँ कहा जाता है ना कि अगर आप कोई चीज़ फ्री यूज़ कर रहे हैं और अगर आप उसकी पेमेंट नहीं कर रहे तो द पेमेंट इज एक्चुअली यू, सो इट्स अ सर्कल पैसे कमाने का। इसके अलावा मिसाल के तौर पे आपने किसी गाड़ी का, किसी प्रोडक्ट का, किसी भी चीज़ की आपने फ़ोटो खींची, अपने किसी रिलेटिव को भेजी, जानने वाले को भेजी, तो अब व्हाट्सएप उस फोटो को ना सिर्फ रिकॉग्नाइज करेगा, मॉनिटर करेगा, बल्कि साथ ही वो इंस्टाग्राम और फेसबुक के साथ आपका ये डाटा शेयर भी करेगा। इस तरीके से आपको और उस बंदे को जिसको ऑलरेडी आपने ये फ़ोटो भेजी है, उन दोनों को वो एड्स दिखाए जा सकते हैं जो कि उस प्रोडक्ट से रिलेटेड है। सो दिस इज़ हाउ ऑल ऑफ दिस इज़ गोइंग टू वर्क। और इसके अलावा एक और प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर शिक ये मौजूद है कि इस चीज़ के बावजूद के बाद में अगर आप खुश ना हो और आप कहें जी मैंने अभी ऐप डिलीट करनी है, मैंने अभी ऐप नहीं रखनी, तब भी कुछ अरसे तक व्हाट्सएप के पास ये हक होगा, ये राइट होगा कि वो आपका डाटा अपने पास सेव रख सके। एक अहम बात यहाँ पे ये है कि फेसबुक की ये नई प्राइवेसी पॉलिसी इतनी एग्रेसिव है कि उसकी ये प्राइवेसी पॉलिसी यूरोप में लीगल नहीं है। वहाँ पे ये लोग ये वाली प्राइवेसी पॉलिसी ऑफर नहीं कर रहे और ना ही उन लोगों को मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि GDPR के कम्प्लीटली अगेंस्ट है प्राइवेसी पॉलिसी और यूरोप में व्हाट्सएप को इस नई प्राइवेसी पॉलिसी के साथ काम करने की इजाज़त नहीं मिल सकती। एक और बात जनाब मज़ेदार किस्म की ये भी सुन लें कि 2019 तक एक बड़ा ज़बरदस्त जुमला लिखा हुआ था व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी में, और वो जुमला ये था कि द प्राइवेसी इज़ इन आवर DNA। 2020 में ये जुमला हटा दिया गया है। अब जनाब दीवार के दूसरी तरफ क्या कहानी चल रही है? दूसरी तरफ कहानी ये चल रही है कि जब ये न्यूज़ सोशल मीडिया के ऊपर ब्रेकआउट हुई, लोगों को जब इसकी नोटिफिकेशंस मिलना शुरू हुई, तो सिग्नल और टेलीग्राम के डाउनलोड्स ठीक ठाक बढ़े। सिग्नल के तकरीबन 4,200% इंक्रीज आई डाउनलोड्स के अंदर, स्पेशली जब इलॉन मस्क ने कहा कि जनाब यूज सिग्नल, तो सारी बात है सिग्नल ने शूट होना ही था। टेलीग्राम तकरीबन 2 दिन के अंदर 25 मिलियन मरतबा डाउनलोड हुई है एप्पल के ऐप स्टोर से और गूगल के प्ले स्टोर से। और जहाँ तक बात है व्हाट्सएप की, तो 2021 के शुरू के 2 दिनों में व्हाट्सएप के डाउनलोड्स में तकरीबन 11% कमी आई है अगर उनको पिछले महीने से कंपेयर किया जाए। जिक्र में जनाब आप एक और अहम बात का ये करता चलूँ कि व्हाट्सएप अब आपसे जो परमिशन मांग रहा है ना डाटा शेयर करने की, ये तमाम का तमाम डाटा 2016 से व्हाट्सएप आपकी परमिशन हासिल किए बगैर शेयर कर रहा है ऑलरेडी। और यही वजह है कि 2014 से 2016 तक का वो जो एक एरिया था जिसमें फेसबुक की फाइलिंग के ऊपर ठीक ठाक किस्म का इशू बना था, और फिर यूरोपियन कमीशन ने फेसबुक को अच्छा खासा फाइन किया था, क्योंकि बेसिकली फेसबुक ने कहा यह था कि जनाब टेक्निकली तरीके से ये तकरीबन नामुमकिन सी बात है कि व्हाट्सएप का डाटा फेसबुक से शेयर किया जाए। और 2016 में फेसबुक ने एग्जैक्टली यही काम किया कि व्हाट्सएप का डाटा फेसबुक से शेयर हो रहा था, उनको फिर ठीक ठाक फाइन भी पे करना पड़ा, और फिर सब लोगों के पास एक नोटिफिकेशन आना शुरू हुई कि यार आप ऑप्ट आउट करना चाहते हैं अगर डाटा शेयरिंग से, तो यू कैन ऑप्ट आउट। बहुत सारे लोगों ने ऑप्ट आउट भी किया उस वक्त, लेकिन ये जो ऑप्ट आउट का फीचर था जो कि आपको उस वक्त सहूलत दी गई थी कि आप जनाब ये चूज़ कर सकते हैं कि आपने अपना डाटा फेसबुक के साथ शेयर करना है या नहीं करना, दैट ऑप्शन इज़ नॉट देयर एनी मोर। और जब ये ऑप्शन उन्होंने व्हाट्सएप के अंदर से निकाली थी, उसके बाद से जितने भी यूज़र्स आए, जितने भी यूज़र्स रहे, और आप जो भी डाटा एक्सचेंज कर रहे थे, वो सब का सब फेसबुक के साथ ऑलरेडी शेयर हो रहा था। और अगर देखा जाए तो टेक इंडस्ट्री के बड़े बड़े जरीदों ने साफ और वाज़ेह अंदाज में ये बात कही है कि अब जो व्हाट्सएप ने ये नई प्राइवेसी पॉलिसी मुतारिफ़ कराई है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। बेसिकली ये अब साफ और वाज़ेह तौर पर आपको बताया जा रहा है कि आपका भाई कौन कौन सा डाटा हम शेयर करने लगे हैं। फेसबुक ये जो इतना सारा डाटा व्हाट्सएप से ले रहा है और व्हाट्सएप जो इतना सारा डाटा फेसबुक को शेयर कर रहा है, इट इज़ डेफिनेटली कंसर्निंग। तो क्या हम सब के सब ओवर रिएक्ट कर रहे हैं? इन अ नटशेल अगर आप देखें तो मेरा ख्याल है कि सब के सब ओवर रिएक्ट ही कर रहे हैं, क्योंकि कोई नया काम नहीं होने लगा, काम वही हो रहा है जो कि 2016 से चलता हुआ आ रहा है। अब सिर्फ और सिर्फ आपको पता चल रहा है इस बारे में, आपको सिर्फ ये मालूम हो जाएगा कि आपका कौन सा डाटा था जो कि व्हाट्सएप शेयर कर रहा है। एक और चीज़ का जिक्र मैं यहाँ पे ये करता चलूँ कि व्हाट्सएप और फेसबुक का ये जो मर्जर हुआ था 2014 में, इसके नतीजे में जो दोनों के दोनों व्हाट्सएप के कोफाउंडर थे, वो व्हाट्सएप के लिए काम कर रहे थे जो कि फेसबुक के अंडर थी, 2017 और 2018 में वो दोनों के दोनों फाउंडर व्हाट्सएप छोड़कर चले गए और उनमें से एक ने सिग्नल के लिए काम करना शुरू कर दिया। तो एक ये चीज़ भी ख्याल की जाती है कि शायद उन्होंने जो फेसबुक को छोड़ा था 2017 और 2018 में, उसकी वजह यही प्राइवेसी कंसर्न्स थे मे बी। और एक और दिल को थोड़ा सा दहला देने वाली बात ये भी है कि हम जितनी भी ऐप्स को फ्री समझते हैं, जिनको हम फ्री समझ के इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं यार क्या ज़बरदस्त काम किया ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, इन सब की सब ऐप्स के लिए प्रोडक्ट्स हम होते हैं, हमें एडवर्टाइजर्स को बेचा जाता है। और अगर आपने एक सीरीज़ नहीं देखी तो नेटफ्लिक्स के ऊपर एक सीरीज़ है जिसका नाम है द सोशल डायलेमा। आप सोशल डायलेमा ज़रूर देखिएगा।
इट्स अ लिटिल बिट ओवर ड्रामेटिक, लेकिन मेरे ख्याल में फैक्ट्स वहाँ पे जो बताए गए हैं वो सब के सब काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो फिर आप लोग मुझे ये बताएं कि आप लोग क्या करने लगे हैं। आर यू गोइंग टू स्विच टू ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म्स लाइक सिग्नल और टेलीग्राम? आप शिफ्ट हो जाएंगे या आप अभी भी व्हाट्सएप यूज़ करते रहेंगे? एंड आर यू ओके विद टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट्स? आर यू? मुझे ये तमाम बातें आप नीचे कॉमेंट्स में बताइएगा ज़रूर, और फील फ्री टू डिस्कस ऑल ऑफ दिस मैटर इन द कॉमेंट सेक्शन। आपके कॉमेंट्स का मुझे इंतजार ज़रूर रहेगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो जनाब ये थी आज की वीडियो, एंड आई होप कि फेसबुक की और व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी अब आप लोगों की नज़रों में क्लियर हो गई होगी, और आप लोगों को एग्जैक्टली अभी पता चल चुका होगा कि व्हाट इज़ हैपनिंग एंड व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। तो जनाब ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो और आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। विद टन्स ऑफ लव टू माई ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली एंड टू बी ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली, दिस इज़ मी जाहिद निसार। आप लोग देख रहे हैं ऑरेंज शॉर्ट्स। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।